हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 स्टार्ट किए थे और हमने क्वेश्चन 1-4 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में जितना भी क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आप उसमें एफिशिएंटली आप मेथड्स को लगा पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 8.4 में जो आपका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 5 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर फिर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे हमें सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये आपके इसके इक्वल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा LHS है और LHS से हमें किस तरह पहुंचना है RHS तक। तो LHS हम लोग लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। सबसे सिंपल क्या है, इधर हमें cos cos दिख रहा है, तो यहां जो भी चीज आपके पास है उसको sin cos में आप कन्वर्ट कर लीजिए। cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 by sin लिख सकते हैं, ठीक है। cot को क्या लिख सकते हैं, cos theta by sin theta, ठीक है, क्योंकि cosec किसका रिवर्स है, sin का, और cot हम क्या लिख सकते हैं, cos theta by sin theta, इसका होल स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, sin theta LCM आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका, 1 minus cos theta का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, आप 1 minus cos theta इस पे आपका होल स्क्वायर है और यहां पे नीचे क्या है आपका, sin स्क्वायर थीटा। दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हमें कहां तक पहुंचना है। ऊपर देखिए 1 minus cos theta आ चुका है, अब नीचे सोचिए 1 plus cos theta कैसे आएगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास आइडेंटिटी आप लोग याद रखोगे तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए आप, ये होल स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे ऊपर करते हैं, ठीक है। करने से पहले आप ये देख लीजिए, नीचे वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो इसे हम ये मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और बी स्क्वायर आपका कॉस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो a प्लस बी मेरा कौन बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बनेगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब इस चीज को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं a और b मान के, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, फिर इससे हम ये लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, आगे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपके पास है गिवन, और यहाँ पे आपका a प्लस बी और a माइनस बी होगा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आया हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है, तो इसे हम दो बार लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख लिए। अब यहां पे हम 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिए और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये एक एक कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। और अब देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हमारे दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए कि हमें कहां तक पहुंचना है, तभी हम जो करेक्ट डिसीजन है वो यहाँ पे ले पाएंगे। यहाँ हमें जो डिसीजन लेना था, अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते तो शायद आपका ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाते,
या फिर और थोड़ा डिफिकल्ट होता। इसलिए सही डिसीजन लेने के लिए एक तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट हमें क्या लाना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to 2 sec a। अब हमें ये यहां से यहां तक पहुंचना है, तो चलिए देखते हैं। LHS हम ले लेते हैं, ठीक है। cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से एक एक स्टेप करके चलिए। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके पास कॉस ए नहीं है, तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए से। इस स्टेप को समझ पा रहे हो सब कोई, एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब देखिए इसके पास क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए से। इसके पास आपका 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किए, 1 प्लस साइन ए से। तो दो बार 1 प्लस साइन ए होगा, तो उसका स्क्वायर कर लिए। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी आ गया आपका कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों के बदले हम लोग 1 लिख लिए, प्लस 1 स्क्वायर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए आएगा। और नीचे क्या बच गया आपका, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहां पे करते हैं, चलिए देखिए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए बचेगा। यहाँ देखिए दोनों से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे साइन ए, नीचे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये वाला पार्ट दोनों में कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाय कॉस ए, और 2 बाय कॉस ए मतलब 2 इंटू 1 by cos a हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 2 by cos a, 2 into 1 by cos a। तो देखिए 2 और ये 1 by cos a क्या बनेगा आपका, sec a बन जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, RHS आ गया। तो ये हम 5 का सेकंड क्वेश्चन पे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta। अब हम LHS से RHS की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ tan cot नजर आ रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या बोले थे लास्ट क्लास में, कि हमें sin cos में चेंज करना है। sin cos में चेंज करने से हमारा सॉल्यूशन जो है वो सिंपल बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। LHS बराबर क्या है, tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta। चलिए हम sin cos में चेंज करते हैं, tan theta को क्या लिख सकते हैं, sin theta by cos theta लिख सकते हैं। ठीक है, cot theta को क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos theta by sin theta, चेंज कर लिए इस साइड। अब इस साइड चेंज करते हैं, प्लस cot theta को क्या लिखेंगे, cos theta by sin theta, और tan theta किस में चेंज हो जाएगा, sin theta by cos theta। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए LCM लेंगे हम, तो LCM ले लेते हैं इस पार्ट में, ऊपर आपका सेम यही रहेगा और नीचे हम लोग LCM ले लेंगे
साइन थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा। साइन थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ पे साइन थीटा से इंटू करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस क्या लिखना है, कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऊपर रह जाएगा, और नीचे हम लोग कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम ले लिए, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग इस साइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये कॉस आपका किधर जाएगा, सबसे ऊपर, यहां भी ये साइन कहां जाएगा, सबसे ऊपर, और ये जो मिडिल पार्ट ये इसके पास जाएगा, ये मिडिल पार्ट आपका इसके पास जाएगा। तो कर लेते हैं, साइन और साइन क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर, ठीक है, और कॉस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। चलिए प्लस कॉस कॉस ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पार्ट इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना सबको क्लियर होगा। आगे देखिए, आगे क्या करना है कि ये दोनों पार्ट हमारा ब्रैकेट वाला चीज सेम रहना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब इसके उल्टा है। यहाँ पे अगर इस चीज को हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये प्लस साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर ये चीज हम लोग चेंज कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो देखो क्या कर रहे हैं, जिस चीज का माइनस साइन है वो प्लस बन गया और जो प्लस है वो माइनस बन गया। तो ऐसा तभी होगा जब ये प्लस का साइन आप माइनस में चेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस वन से इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आपका आ जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे प्लस का साइन माइनस करेंगे उससे क्या फायदा होगा हमारा, ये वाला चीज रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट वाला चीज दोनों सेम है तो उसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है, इसीलिए हमें ये चेंज करना पड़ा ताकि ये दोनों सेम रहे, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या जाएगा आपका, ये पूरा एलसीएम हो गया, तो एलसीएम में देखिए कौन सा पार्ट इसके पास नहीं है, साइन थीटा नहीं है, ऊपर साइन थीटा से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पावर थ्री थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसके पास क्या नहीं है एलसीएम वाला पार्ट, कॉस थीटा नहीं है, तो यहां ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा से, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है आपको कि ये आपका किस फॉर्म में दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो चलिए देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये हम इस फॉर्म में लिखना होगा, तो चलिए इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इधर मिटाते हैं, चलिए उस चीज को हम लिख लेते हैं, क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिख लिए। अब क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी लिखना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सजा लिए, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे वाले को लिख लीजिए,
ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या फायदा हमारा हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट आपका कट जाएगा, दोनों सेम चीज है, ठीक है। और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये वन के लिए भी है और इस पार्ट के लिए भी है, तो जब इस पार्ट के साथ नीचे लिखेंगे तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे कि अगर आपके पास हो थ्री प्लस फोर बाय फाइव, ठीक है, तो ये फाइव आपका इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो यही चीज हम यहाँ पे किए, ये आपका दोनों के लिए था, वन के लिए भी था और इसके लिए भी था, ठीक है। अब देखिए ये आपका कैंसल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में वन बच जाएगा। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए वन बाय साइन थीटा किस में चेंज हो सकता है आपका, कॉसेक थीटा में, इंटू वन बाय कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा आपका, सेक थीटा में, और प्लस में वन। तो देखिए ये और जो आपका आरएचएस आना था सेम चीज है, बस ये पहले लिखा हुआ वन प्लस दिस और आपका ये प्लस दिस, दोनों सेम चीज है, आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, दोनों आपका सेम ही चीज है, और ये आपका आ गया आर एच एस, ठीक है। तो देखिए आप कैसे हमें सॉल्व कर लिए हम लोग अब फाइव का थर्ड क्वेश्चन, काफी आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कीजिएगा ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो, एक मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्टेंट ध्यान में रखते हुए बढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे फाइव का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका वन प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपका लिखा हुआ है कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा, तो अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है तब भी आपको दोनों करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एल एच एस बराबर क्या है, वन प्लस सेक ए बाय सेक ए, ठीक है। अब देखिए ये सेक ए दोनों के लिए होगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वन बाय सेक ए बाय सेक ए बाय सेक ए। अब देखिए वन बाय सेक ए आपका क्या होगा, कॉस ए होगा, और सेके सेके दोनों कट जाएगा प्लस वन। इसके फर्दर हमें और कुछ प्रोसेस नहीं दिखा, तो यहां तक हम लोग रुक जाएंगे और इसके बाद आर एच एस सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जब भी आपको कुछ करेक्ट चीज ना दिखे कि आगे क्या करें, तो इसके बाद हम लोग आर एच एस देखते हैं सॉल्व करके। तो साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपके दिमाग में होगा कि हमें ये आता है कि नहीं आता है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ये आपका कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा क्वेश्चन, ये सिर्फ वन माइनस कॉस ए है, तो वन माइनस कॉस ए है नीचे और हमारा ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए। अब इस पार्ट को हम मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे आपका क्या है, वन माइनस कॉस थीटा, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस कॉस थीटा, और दोनों तरफ देखिए वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, तो एल एच एस बराबर क्या हो गया आपका, आर एच एस, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फाइव का फोर भी खत्म हो गया, अब हम लोग फाइव का फिफ्थ क्वेश्चन, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर क्या है, कॉस ए ए माइनस कॉट ए, ये हमें लाना है, ठीक है। तो अब इस साइड देखिए कि जब हम लोग कॉस ए में
साइन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉट मिलता है, और वन में जब साइन से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉसेक मिल जाएगा। इसका मतलब कॉट और कॉसेक हम पा सकते हैं कैसे, साइन से डिवाइड करके। तो पूरे इक्वेशन में क्या कीजिए, साइन से डिवाइड कीजिए, ठीक है। LHS लिख लेते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस वन, और नीचे लिख लीजिए cos a प्लस साइन ए माइनस वन। अब सारे में हमें cos साइन से डिवाइड करना है, तो cos a में जब साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cot a माइनस साइन में जब साइन से डिवाइड करेंगे वन आएगा, प्लस वन में साइन से डिवाइड करेंगे हमारा cos a आएगा, ठीक है। cos में फिर साइन से डिवाइड कीजिए cot a आएगा, प्लस साइन में साइन से डिवाइड करेंगे वन आएगा, माइनस वन में साइन से डिवाइड करेंगे तो आपका cos a आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अरेंज कर लीजिए cot a प्लस cos a, ठीक है, इसको एक साथ रख लिए माइनस वन। नीचे क्या है, cot a माइनस cosec a प्लस वन, ये आपका नीचे है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ये आपका ब्रैकेट में हो गया, ये भी ब्रैकेट में हो गया। वन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वन को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, वन। तो वन के प्लेस पे ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए लिख के देखते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब ये लिखने से हमें क्या फायदा होगा वो देखते हैं, cos a cosec यहाँ पे माइनस है, ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है, प्लस वन, ठीक, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग इस साइड देखते हैं, आगे देखिए, इज इक्वल टू ये पार्ट आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख लेते हैं, cot a आपका फिर प्लस cosec, ये स्पेस छोटा हो जाएगा इसलिए हम यहां पे ही लिख रहे हैं इसी को मिटा के, ठीक है, दो स्टेप मिटा देते हैं। चलिए अब ये आपका क्या होगा, cot a प्लस cosec a माइनस, ये यहां पे दो टर्म लिखा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, cosec a प्लस cot a, ठीक है, और एक टर्म क्या हो जाएगा, cosec a माइनस cot a, ठीक है, a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है आपका, चलिए ठीक है। नीचे क्या है आपका, cot a माइनस cosec a प्लस वन, ठीक है, ये चीज हम नीचे लिख लिए। अब ये दोनों स्टेप भी हम लोग मिटा लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए अब देखिए, यहाँ भी cot a पाई प्लस cosec a है और यहाँ भी है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो cot a प्लस cosec a आप कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वन बचेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे वन बचा माइनस ये पार्ट बचेगा, इसको हम यहाँ भी ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आपका चेंज होगा, और नीचे हमारा जो बच गया वो क्या है, cot a माइनस cosec a प्लस वन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो आपका cot a प्लस cosec a ये हमारा एक पार्ट है, और इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, cosec a प्लस cot a, ये पार्ट आपका आ जाएगा। नीचे आप लिख लीजिए cot a माइनस cosec a प्लस वन, ठीक है, काफी ध्यान से बनाना है आपको, नहीं तो डेफिनेटली गलत बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है,
कॉसेक नेगेटिव है, कॉसेक नेगेटिव है, कॉट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों पार्ट आपका कट जाएगा, दोनों सिमिलर चीज है। और हमारा जो RHS था वो अब देखिए यहाँ पे बच गया, cot A प्लस cosec A, तो जो हमें लाना था वो अब हमारा आ चुका है, तो ये आप लिख सकते हो इज इक्वल टू RHS। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमेशा सारे स्टूडेंट्स गलत ही बनाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको काफी बार प्रैक्टिस करना होगा। इसी टाइप का एक एग्जांपल भी आपका एग्जांपल नंबर 15। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं 5 का 6 क्वेश्चन। क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो चलिए देखते हैं LHS से हमारा RHS आ सकता है कि नहीं। तो LHS जो है आपका वो क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन, ठीक है, ये रूट में भी है और हमारा दोनों चीज सेम है प्लस माइनस में, तो यहां हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहां माइनस साइन है तो इस सेम चीज को यहां प्लस साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है, और यहां पे ऊपर नीचे दोनों सेम चीज लिखेंगे क्योंकि दोनों कट जाएगा, वापस से हमें सेम ये मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा आपका, a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा बताइए, a माइनस बी और a प्लस बी आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला चीज आप वैसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और नीचे आपका है कॉस स्क्वायर a, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और ये बराबर क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी से आप देखोगे कि ये बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा और इसका भी रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर, इस पे भी रूट था और आपका इस पे भी रूट है कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब दोनों का रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर के साथ कैंसल होगा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा और यहाँ पे कॉस ए बचेगा। अब ये जो कॉस है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, sec a हो जाएगा, प्लस sin a बाय cos a क्या हो जाएगा आपका, tan a। और आप देखोगे कि ये हमारा क्या आ गया, जो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो गया, RHS, तो हमारा RHS आ चुका है। तो इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब सॉल्व करते हैं हम लोग 5 का 7th क्वेश्चन। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या लाना है आपको, tan थीटा। तो चलिए LHS हम लोग देख लेते हैं, LHS क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, थीटा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थीटा ही है, ठीक है, अब तक सारा में ए था, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से भी साइन कॉमन आ गया, यहाँ से भी, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बराबर अब इधर क्या होगा आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया और नीचे हमारा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उससे क्या फायदा होगा अभी देखिए, यहाँ पे कॉस की जगह आप लिख लीजिए, कॉस थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, कॉस थीटा की जगह ये लिख लिए और ये माइनस वन आपका बच गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्टेप क्या होगा आपका, देखिए अब आपका टैन थीटा और इधर क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा अब टू से इसमें इंटू कर लीजिए, तो क्या होगा, टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब ये टू और माइनस वन को सॉल्व करोगे तो टू माइनस वन क्या होगा, वन होगा, तो टेन थीटा ब्रैकेट है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, टू माइनस वन की है वन और ये आपका बच गया। अब देखो ये और ये आपका सेम आ गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन थीटा जो आपके आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, तो आप हम लोग देख लिए कि 5 का 7 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब 8 क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5 का 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हमें लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एलएचएस लिख लीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमें आरएचएस तक पहुंचना है, चलिए देखते हैं इनका, ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, चलिए अब ये भी ए प्लस बी के फॉर्म में है, इसे भी लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए लिख लिए। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन बन जाएगा, तो इसे वन लिख लीजिए प्लस। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, यहां पे ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू ये वन बाय कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहां से सेक स्क्वायर ए बच जाएगा और इधर क्या होगा, टू कॉस ए इंटू वन बाय कॉस ए, वन बाय कॉस ए ये कट जाएगा, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वन, यहाँ पे टू बचा और यहाँ पे टू, तो टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम वन प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से, अगर आइडेंटिटी आपको याद होगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, कॉट को उधर भेज दीजिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक के जगह हम क्या लिख लिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर। उसी तरह सेक का क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी से sec स्क्वायर को हम लिख लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है और cosec स्क्वायर को लिख लिए 1 प्लस cot स्क्वायर। अब देखिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 और क्या बच गया आपका, cot स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, और हमें लाना क्या था, देखिए सेम चीज लाना था, 7 प्लस cot स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर, सेम चीज आ गया, तो ये हमारा हो गया बराबर आर एच एस। ठीक है,
अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5 का 9th क्वेश्चन, ठीक है। cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos a, आपको लाना क्या है 1 by tan a plus cot a। इसमें भी आपका लिखा हुआ है LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। LHS आप अपना ले लीजिए, LHS को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग LHS देख लेते हैं। LHS हमारा क्या है, cosec a माइनस sin a, और इधर क्या है sec a माइनस cos a, ठीक है। cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by sin a लिख सकते हैं, माइनस sin a, ठीक है। और यहां पे sec को क्या लिख सकते हैं, 1 by cos a माइनस cos a। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, साइन ए आपका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए हम एलसीएम ले लिए तो साइन ए यहां पे साइन ए से ऊपर इनटू होगा साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या बचेगा आपका कॉस ए आपका एलसीएम हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हम cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, और ये आपका sin a होगा into 1 माइनस cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा cos a। अब देखिए यहां से sin एक sin कट जाएगा और यहां से एक cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहां से मान लीजिए एक sin कट गया एक cos कट गया, तो क्या बचा cos a into sin a, ये हमारा इस पार्ट में आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं, RHS पार्ट आपका क्या है, 1 by tan a plus cot a। तो tan a by cot a को क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, sin a by cos a लिख सकते हैं, plus cot को क्या लिख सकते हैं, cos a by sin a लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, cos और sin को LCM ले लेंगे, cos a into sin a, LCM हो गया आपका। इसके पास sin नहीं है, ऊपर sin से into कर लीजिए sin square a plus, यहाँ पे cos नहीं है तो cos से into कर लीजिए cos square a, ये part आपका ऊपर चला जाएगा cos a into sin a, 1 से into करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये part आपका क्या होगा sin square a plus cos square a, 1 बचेगा, तो ये आपका क्या आ गया cos a into sin a, दोनों तरफ हमारा सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS और RHS इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये 5 का 9th क्वेश्चन था, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 5 का 10th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन 5 का, 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। मतलब एक बार इसे सॉल्व करना है आपको ये लाना है, फिर इसे सॉल्व करना है आपको ये लाना है, ठीक है। मतलब फाइनली हमारा दोनों के लिए RHS जो है ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं, 1 plus tan स्क्वायर a और ये है आपका 1 plus cot स्क्वायर a। तो अब आपको याद होगा अगर आइडेंटिटी, तो 1 plus tan square a को क्या लिख सकते हैं, sec square a लिख सकते हैं, और 1 plus cot square a को क्या लिख सकते हैं, cosec square a लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए sec a, sec square a का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 by cos square a, और sin cosec a, cosec square a का रिवर्स क्या हो जाएगा, sin square a, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स ऊपर चला गया, या फिर आप इसे ऐसे समझो, sec स्क्वायर a का क्या होगा, 1 by cos स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a का क्या होगा, 1 by sin स्क्वायर a। तो यहां पे देखिए sin स्क्वायर a ऊपर जाएगा और ये 1 इसके पास जाएगा, तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a आपका क्या होता है, tan स्क्वायर a। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हमारा tan स्क्वायर आ चुका है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में LHS है, ये हमारा
RHS के बराबर R, LHS is equal to 1 minus tan A by 1 minus cot A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे cot को हम चेंज करते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by tan A लिख सकते हैं, ठीक, इसका होल स्क्वायर है। अब यहां पे tan आपका LCM होगा, चलिए LCM ले लेते हैं, क्या होगा tan A, हम लोग LCM ले लिए, तो क्या होगा tan A माइनस वन आएगा, यहाँ tan A से इंटू हो जाएगा, tan A माइनस वन और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये tan A आपका किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्रैक्शन है या फिर फ्रैक्शन नंबर कुछ भी बोल लीजिए, तो ये दोनों साथ में है तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस tan A और यहाँ पे tan A आपका इंटू होगा और यहाँ क्या बचेगा tan A माइनस वन और इस पूरे पे क्या है आपका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये और ये सेम हो जाता है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे tan आपका पॉजिटिव है और वन नेगेटिव है, यहाँ tan नेगेटिव है और वन पॉजिटिव है, तो इन दोनों से माइनस वन कॉमन ले लीजिए या फिर सिर्फ माइनस पार्ट कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस पार्ट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन प्लस tan A, ये आपका बच जाएगा, अगर हम माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, ठीक है, तो आपका वन माइनस में चला जाएगा और tan प्लस में चला जाएगा और ये आपका tan A और नीचे क्या है आपका tan A माइनस वन। अब देखिए tan A प्लस में था, यहां भी प्लस में है, वन माइनस में, यहां भी वन माइनस में, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, इस पूरे पे आप होल स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहां पे हमारा क्या बचा, देखिए माइनस साइन बचा हुआ है और आपका tan, तो माइनस tan A इस पे क्या है होल स्क्वायर, और हमें पता है किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर करते तो वो प्लस बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A और ये आपका आ गया RHS। तो दोनों तरफ से, यहां से भी हमने tan स्क्वायर A हमें मिल गया और इससे भी हमें tan स्क्वायर A मिल गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। अब आप सोचोगे कि आपके जो जिसके पास भी पुराना बुक होगा उसमें क्वेश्चन 6 तो होगा ही नहीं, तो ये जो 2020 का एडिशन है एनसीईआरटी उसमें आपका क्वेश्चन 6 अलग से ऐड किया गया, ठीक है। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो चलिए देखते हैं LHS से RHS हमारा आएगा कि नहीं, ये सारा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों से tan थीटा कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा, अगर दो थीटा ले लिए तो दो बच गया प्लस यहां बचेगा वन। अब देखिए आप tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से आप देखोगे तो ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें लाना है ये चीज, तो अब क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec, आप देखिए आइडेंटिटी आपका होता है sec स्क्वायर a या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अगर आप यहां से tan स्क्वायर प्लस वन अगर इसको इधर ले जाएंगे तो sec थीटा मिलेगा, ठीक है, और अगर हम tan थीटा को इधर ले जाए वन को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो यहां देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये हम लोग लिख सकते हैं इनटू क्या है sec स्क्वायर थीटा, अब sec स्क्वायर थीटा से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आपका sec 4 थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा sec 4 थीटा माइनस इसे 1 से इनटू करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा और ये ही आपका क्या है RHS है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप काफी इजी था, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 का सेकंड पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos theta by 1 minus sin theta plus sin theta by 1 minus cos theta is equal to sin theta plus cos theta, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका, cos theta by 1 minus tan theta plus sin theta by 1 minus cot theta, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, cos theta 1 minus tan theta को क्या लिख सकते हैं, sin theta by cos theta, ठीक है, plus sin theta ऊपर है, और यहां पे cot theta को क्या लिख सकते हैं हम, cos theta by sin theta, लिख लीजिए cos theta by sin theta, इतना लिख लिया। अब नीचे पार्ट में यहां cos आपका क्या होगा, LCM बनेगा, cos theta by cos theta आपके LCM हो गया, और क्या आएगा यहां पे, cos theta minus sin theta, ठीक है, plus ये sin theta है आपका, और यहां पे ये sin theta LCM बनेगा, sin theta LCM हो गया, यहां पे क्या होगा, sin theta minus cos theta, ठीक है। अब ये cos theta आपका इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये sin theta इसके पास, चलिए तो ये क्या होगा, cos square theta, और नीचे क्या है आपका, cos theta minus sin theta plus ये sin ऊपर जाएगा, sin square theta, और नीचे क्या बचेगा, sin theta minus cos theta। अब यहां पे देखिए कि दोनों को LCM लेने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे cos प्लस में है sin माइनस में है, यहाँ sin प्लस में है cos माइनस में है, तो इसे आप रिवर्स करने के लिए ये sin आपका चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं, जब भी हम लोग cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे नीचे है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, ये sin अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा आपका, कि ये वाला चीज रिवर्स हो जाएगा, ये sin थीटा माइनस cos theta, ठीक है, तो ये चीज आप रिवर्स करके लिख लो, क्योंकि sin हम क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, तो आप लिख लोगे cos theta minus sin theta, sin रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए करने से क्या फायदा होगा, ये आपका LCM दोनों सेम आ गया, तो हम लोग LCM ले सकते हैं cos theta by sin theta, ठीक है। आगे आपको क्या करना है कि दोनों जब एलसीएम आ गया तो ऊपर cos square theta और sin square theta बच जाएगा। अब देखिए ये आपका a square minus b square के फॉर्म में आ गया, इसे लिख लीजिए a plus b, और क्या लिख सकते हैं a minus b, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा cos theta minus sin theta। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट आपका कॉमन है, दोनों कट जाएगा, अब क्या बच गया cos theta plus sin theta, जो आपका किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये हमारा 6 का सेकंड पार्ट ओवर हो गया। अब 6 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट क्या है आपका, sec theta minus 1 sec theta plus 1 रूट के अंडर इज इक्वल टू, इतना आपको लाना है। तो LHS हम लोग लेके चलते हैं, LHS आपका क्या है, रूट अंडर sec theta minus 1 और sec theta plus 1, ये रूट के अंडर है तो ये हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने से क्या होगा, sec theta minus 1 और ये यहाँ पे है sec theta plus 1, इनटू कर लेंगे sec theta minus 1 और नीचे sec theta minus 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, sec theta minus 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये पार्ट आपका क्या बनेगा, आप देखिए sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर भी हटेगा और ये भी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका sec theta minus 1 और नीचे क्या बचेगा आपका tan theta, ठीक है, क्योंकि रूट के साथ ये दोनों रूट तभी हटेगा जब ये स्क्वायर आप दोनों से हटाओगे, ठीक है।
ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए sec थीटा के नीचे भी क्या है, sec थीटा के नीचे क्या है आपका tan थीटा है, और यहां पे 1 के नीचे भी क्या है आपका tan थीटा है। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 by cos थीटा, ठीक है, और tan को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसी के नीचे लिख के समझाते हैं, sin थीटा by cos थीटा लिख सकते हैं, और इधर तो आपका क्या हो जाएगा 1 by tan को क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक पार्ट आपका आ चुका है, अब ये cos कहां जाएगा, ऊपर जाएगा cos थीटा, ठीक है, और ये sin इसके पास जाएगा cos थीटा into sin थीटा minus cot थीटा, cos cos आपका कट जाएगा, बचेगा 1 by sin क्या हो जाएगा cosec थीटा minus cot थीटा, और ये आपका आ गया RHS, ठीक है। तो हमारा जो RHS आना था वो आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 का फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं 6 का फोर्थ क्या है, cot थीटा plus tan थीटा is equal to sec थीटा into cosec थीटा। तो LHS को लेके चलते हैं, LHS क्या है आपका cot थीटा plus tan थीटा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा by sin थीटा लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा by cos थीटा। अब दोनों में LCM ले लीजिए, क्या होगा sin थीटा into cos थीटा आपके LCM हो जाएगा, इसके पास cos नहीं है, cos से इनटू कर दीजिए ऊपर cos square थीटा plus, इसके पास आपका sin नहीं है तो sin से इनटू कर दीजिए sin square थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 by sin थीटा into cos थीटा, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी हो गया sin square थीटा plus cos square थीटा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 by sin थीटा क्या हो जाएगा आपका cosec थीटा into 1 by cos थीटा आपका क्या हो जाएगा sec थीटा, और ये आपका क्या था RHS था, ये सेम चीज आपको लाना था। तो हमारा 4 कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 का 5th पार्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 by sin थीटा plus 1 by 1 minus sin थीटा is equal to 2 sec square थीटा। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा अच्छे से, 1 by 1 plus sin थीटा, फिर प्लस है 1 by 1 minus sin थीटा, चलिए LCM ले लेते हैं, LCM क्या हो जाएगा 1 by sin थीटा और 1 minus sin थीटा, यहां पे 1 plus sin थीटा है तो आपका ऊपर क्या चला जाएगा 1 minus sin थीटा, इससे इनटू हो गया 1 में प्लस, फिर यहां पे 1 minus sin थीटा है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 plus sin थीटा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 1 minus sin थीटा plus 1 plus sin थीटा, ये ऊपर आ गया, ये क्या है a plus b और a minus b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा a square तो 1 का square 1 होगा minus b square करेंगे तो sin square थीटा, ठीक है। यहां पे देखिए sin थीटा minus में और ये plus में, ये दोनों cancel हो जाएगा 1 plus 1 2, 1 minus sin square थीटा क्या हो जाएगा identity से cos square थीटा। अब यहां पे देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो 2 into 1 by cos square थीटा लिख सकते हो, ठीक है, कोई changes नहीं है। अब तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 by cos square थीटा को क्या लिख सकते हैं sec square थीटा, और यही same चीज आपको लाना था, ये आपका RHS हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 8.4 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आज जो भी बचा हुआ था 5 और 6 क्वेश्चन हमने काफी अच्छे से किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में परफॉर्मेंस अच्छा होगा और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगा कि आप सही बनाओ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को या फिर क्लासेस जो भी हम लिए हैं उसको शेयर कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपका जो भी डाउट होता है किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। सभी को अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस बार आपको मैथ्स में 90+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं, और आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। जय भारत, जय हिंद।